में भी आपको मिल जाएगा। तो उस समय भी प्रकृति पूजा मिलता है, बहुत सारे पेड़ का पूजा करने का साक्ष्य मिलता है, पशु पूजा करने का भी साक्ष्य मिलता है, नदी पूजा करने का भी साक्ष्य मिलता है, पहाड़ पूजा करने का भी साक्ष्य मिलता है। देखो ये विवाद का विषय है, ये विवाद का विषय है। तो एक पक्ष मानता है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो सरना धर्म में है, ठीक है, इसलिए जो है हिंदू धर्म का ही एक रूप है सरना धर्म, जो अलग तरीके से लोग उसको मानते हैं। दूसरा पक्ष का कहना है कि नहीं, हम हिंदू धर्म से एकदम अलग है, एकदम अलग है, क्योंकि हमारे पास, हमारे धर्म में वो कर्मकांड नहीं है, बेस जो बेस है वो कर्मकांड। हिंदू धर्म में हर कार्य में कर्मकांड है, इसमें कर्मकांड है ही नहीं, ठीक है, पुरोहितवाद है ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसको अलग मानते हैं। तो ये दोनों धर्म, दोनों तरफ से पक्ष और वितर्क है, विवाद है कि क्या है, वो अलग बात है। लेकिन ये माना जाता है कि आदि धर्म है, सबसे पुराना माना जाता है कि धर्म है प्रकृति पूजा करते हैं, ठीक है। अब ये सरकार के ऊपर है कि उसको सरना कोड के रूप में मान्यता देती है या नहीं देती है, वो सरकार के ऊपर है। सरकार अगर मान लीजिए, चूंकि झारखंड विधानसभा से पास करके भेज दिया गया है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक नहीं देगी तब तक इसको मान्यता नहीं मिलेगा। हाँ यही तो, यही यही तो किया गया। बौद्ध धर्म को बाद में हिंदू में तो बना दिया गया, बौद्ध धर्म अलग निकला, लेकिन बाद में उसको हिंदू बना दिया गया, हिंदू धर्म से निकला, बाद में उसमें कर्मकांड जोड़ दिया गया, बौद्ध धर्म भी हिंदू का पार्ट बन गया, ये तो किया ही गया है। तो बोला जाता है कि ब्राह्मण बहुत तेज थे, किसी भी धर्म को जो है जोड़ देते थे। चलो आर्टिकल 29 में लिखो, पहला पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, राज्य निधि से सहायता प्राप्त, करने वाले किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, एवं भाषा के आधार पर, प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 30, उसमें लिखिए अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि
अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं एवं उसका प्रशासन कर सकते हैं। उसी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नीचे से लिखिएगा धर्म एवं भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग धर्म एवं भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य 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 धर्म एवं भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, तो ये जो है 29-30 में जो है दो है, 29 में दिया गया है कि कोई भी जो है अल्पसंख्यक है उसको अपनी संस्कृति, लिपि या भाषा को बनाए रखने का अधिकार है, और 30 में उसी को बढ़ाया गया है कि जो है उसको बचाए रखने के लिए वो शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकता है, अपने भाषा को बढ़ाने के लिए, लिपि को बढ़ाने के लिए और अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो स्थापना संस्थाओं का स्थापना कर सकता है और उसका जो है प्रबंधन कर सकता है, प्रशासन चला सकता है। ठीक है, और राज्य सरकार अगर जो है सहायता देती है तो वो किसी भी जो है धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगी। मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक है तो बौद्ध धर्म को आप पैसा दे दीजिए और इस्लाम धर्म को नहीं दीजिए, जैन को दे दीजिए तो जो है सिख को नहीं दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, सबको जो है एक समान आधार पर वो क्या करेगी कि सहायता करेगी। क्लियर, यही 29 और 30 का जो है संविधान में जो है प्रोविजन किया गया है, तो अल्पसंख्यक का जो है परिभाषा और जो है उनका अधिकार। क्लियर, ये आप लोग का जो है कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब आप लोगों को दो और बचा है इसमें। ठीक है, ब्रेक ले लो, दो बचा है, एक तो जो है संपत्ति का अधिकार।